पहले स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल आए ना, जैसे आप नेचर में ढूंढने जाओगे आप कौन सा मॉलिक्यूल लाओगे, देखो सबसे पहले आप लाओगे वाटर, ऑक्सीजन अपने नेचर में है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ध्यान से समझना इस बात को, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। वैसे नाइट्रोजन की हम बात करें 1 2 3 4 5, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर CO2 की बात करें, देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, फिर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो यहाँ नेचर में जब हम मॉलिक्यूल ढूंढने निकले तो हमने देखा कि भाई ज़्यादातर मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, बाद में फिर BCl2AlCl3 और बहुत सारे कंपाउंड ढूंढे वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल गलत हो गया, बहुत सारी लिमिटेशन आ गई ऑक्टेट रूल की। देखो 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले BCl2AlCl3BCl3, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले SF6PCl5, फिर ज़ेनॉन कंपाउंड आ गए XeF2XeO3XeOF4। तो ये था ऑक्टेट रूल कौन फॉलो करेगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन।